सीसीएनए लेवल की हम बात करें तो ऑलमोस्ट हमने राउटिंग के सभी पार्ट कवर अप कर लिए हैं। राइट नाउ वी आर गोइंग टू मूव विथ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और अ नेट। टू नो फर्दर मोर अबाउट नेट्स लेट मी मूव टू द माय पीडीएफ फाइल। ओके, सो नेट स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और नेट होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं एंड देन चीज़ें कुछ यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है। बेसिकली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की हम बात करें तो जैसे कि इसी टोपोलॉजी में मैं आपको समझा दूँ या पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो आईएसपी के पास राउटर होते हैं तो आप दो चीज़ें कह सकते हो कि कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होती हैं जो नॉन राउटेबल होती हैं। अगर आपने आईपी एड्रेस यहाँ पे, इनफैक्ट मेरा डीएसएल राउटर भी यहाँ पे नेट कर रहा था, नहीं एक छोटे से एग्जांपल को ले तो हम और अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे। तो एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। राइट नाउ यू कैन गो। सपोज यू हैव राउटर वन, जस्ट टेक इट वन राउटर, और ये आईएसपी है और ये लैन के तरफ। सपोज दैट आईएसपी आपने ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लिया है, कोई भी कनेक्शन लिया है, यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस मिल गई 20.20.20.20, राइट। और आपने अपने लैन में आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट किया 192.168.1.x.x, व्हाटएवर आपने यूज किया। आपका पैकेट राउटर लेगा और जब वाइड एरिया नेटवर्क में भेजेगा वही पैकेट, तो ये डिस्कार्ड कर दिया जाएगा बिकॉज आपके आईएसपी में जो डिवाइसेस हैं वो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस के पैकेट्स को तुरंत डिस्कार्ड कर देंगे। सॉरी आई डोंट नो। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को कभी कभी हम कहते हैं नॉन राउटेबल एड्रेस, जो वाइड एरिया नेटवर्क में राउटिंग नहीं की जा सकती। सिर्फ वाइड की हम बात करेंगे, जबकि लैन में आप राउटिंग करो, दो राउटर है, तीन राउटर है, आप कोई भी प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करके राउटिंग कर सकते हो, बट वाइड एरिया नेटवर्क में ऐसा नहीं होता। फर्दर मोर सो उसी को हम कहते हैं नेट, क्योंकि उस केस में आपको क्या जरूरत होगी। अब ऐसे केस में अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करने की जरूरत है आपके कंप्यूटर्स को जो आपके लैन में कनेक्टेड है, तो आपका राउटर एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करेगा जो लेयर 3 के इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस करता है। आपका पैकेट रिसीव करेगा, पैकेट के लेयर 3 इंफॉर्मेशन, लेयर 3 इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आईपी एड्रेस पे, आपकी इनफैक्ट आईपी एड्रेस चेंज कर देगा और इस इंटरफेस की जो आईपी एड्रेस होगी ये लगा देगा, या यहाँ पे एक पूल अलॉट किया जाएगा आईएसपी के थ्रू, वो पूल को यूज कर सकता है, या और भी मेथड है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कभी कभी हम ये कहते हैं, अगर रियल नेटवर्क में देखें तो नेट का सिर्फ इसलिए यूज है, रियल नेटवर्क की अगर हम बात करें जहाँ पे हम प्रोडक्शन नेटवर्क में, तो नेट का सिर्फ यूज है प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक में कन्वर्ट करना, ये काम बेसिकली नेट का होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वहां पे यूज कर सकते हो, इनफैक्ट आप सभी जगह यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में ही ट्रांसलेट करना होता है। बेसिकली आप कह सकते हो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में ट्रांसलेट करना, बस दो एक छोटे लाइन में आप यही नेट कह सकते हो। सो वी नो वेरी वेल देर आर टू काइंड ऑफ एड्रेसेस, पब्लिक एड्रेसेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। सो पब्लिक एड्रेसेस इज टोटली मैनेज्ड बाय आईना, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। और बाय द वे आई थिंक हमने आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस किया था, ICANN एक ऐसी संस्था है, ICANN इंटरनेट असाइन, ICANN इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइन नेम एंड नंबर्स, और उसके नीचे हमारा काम करता है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी या आईना। और उसके हमारे लोकल रीजन्स हो सकते हैं जैसे एपनिक एशिया पैसिफिक NIC या एफरनिक, और उसके बाद ये आईएसपी के बाद आता है और आईएसपी के बाद कस्टमर पे। तो इतने वाइड एरिया नेटवर्क में अगर हमारी पब्लिक आईपी एड्रेस की बात करी जाए तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, सबसे पहले देखा जाए तो ICANN के अंतर्गत आईना चलता है, तो आईना के पास सबसे पहले आईपी रहता है, फिर वो लोकल रीजन्स को दे सकता है जैसे अफ्रीका के लिए एक है, एशिया के लिए एक है, सो ऑन। बाय द वे एशिया के लिए एपनिक है, एंड देन आफ्टर वो आईएसपी को देगा और आईएसपी अपने कस्टमर को देगी। तो इतने हायरार्की में हमारी आईपी एड्रेसेस
हमारे कस्टमर तक या हमारे सब्सक्राइबर तक पहुंचती है. सो एज पर आरएफसी 1918 देर आर सम काइंड्स ऑफ आईपी एड्रेसेस दैट्स नोन एज प्राइवेट आईपी एड्रेस 10.x.x.x. ये पूरा नेटवर्क हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होता है. इसी तरह ये और ये, तो तीन ऐसे एड्रेसेस हैं जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं. मोस्ट प्रोबेबली हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस अपने लैन में यूज करते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया वो वैन में यूज नहीं होता. सो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का काम यही होता है कि आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस को हाइड करके उसे पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करें. न सिर्फ ये होता है बल्कि आपको नेट लगाने से कई सिक्योरिटी भी मिलती है, बट कुछ ड्रॉबैक भी है नेट के, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सपोज ये आपका आईएसपी है और आप यहाँ से कनेक्ट होते हो, तो लोकल आईपी एड्रेस आपने इसमें से कोई रख दी, बाय द वे हम मान के चलते हैं 192.168 कुछ भी रख दिया, और यहाँ पे आईपी एड्रेस हमने 20.0.0.0.1 रख दिया, राइट. अब कोई भी अटैकर या कोई भी हैकर आपके इस आईपी पे नहीं आता कभी भी, क्योंकि ये अगर यहाँ पे आएगा तो आईएसपी के पास आप जाओगे इस आईपी एड्रेस पे, तो आईएसपी कहेगा सॉरी यहाँ तो कोई होस्ट ही नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है. आईएसपी तो ये जानता ही नहीं ना, आईएसपी आईपी एड्रेस कौन सा जानेगा, ये जानेगा जो कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस है. तो या तो पैकेट वहीं पे डिस्कार्ड कर दी जाएगी. दूसरी बात, ये अगर पैकेट भेजता है, अगर आप आईपी ग्रैब करने की कोशिश करते हो इसकी, तो इसकी आईपी एड्रेस ये मिलेगी. अब आप रिमोट डेस्कटॉप इसका लोगे, बाय द वे इसका रिमोट डेस्कटॉप लोगे तो ये तो राउटर का हो गया, तो रिमोट डेस्कटॉप या कई सर्विसेज आप नहीं ले पाओगे. इससे हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारा नेट एक प्रकार से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपके लोकल नेटवर्क को हाइड करता है और सिर्फ वैन इंटरफेस के नेटवर्क को ही शो करता है. बाय द वे अब ये कंप्यूटर वाइड एरिया नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं, तो नेट से हमको दूसरा फायदा ये भी होता है. सो नेट प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट हाइडिंग स्पेसिफिक नेटवर्क एड्रेस स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल दैट इज प्राइवेट नेटवर्क एज आई टोल्ड यू अर्लियर. नोट दैट नेट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्राइवेट एंड पब्लिक एड्रेसेस. कोई जरूरी नहीं है कि नेट आप चाहो प्राइवेट टू प्राइवेट कर सकते हो, आप चाहे पब्लिक टू पब्लिक नेट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ऐसा है कि सिर्फ प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे. सो नेट कितने प्रकार का होता है. नेट के जो टाइप होते हैं, हमारा स्टैटिक नेट जो 1-to-1 मैपिंग करते हैं, डायनेमिक नेट, नेट ओवरलोड या उसी को हम पैड के नाम से जानते हैं. तो मेरे हिसाब से एक और आप नेट कर सकते हो, स्टैटिक डायनेमिक नेट और पैड के साथ आप ये भी यूज कर सकते हो डायनेमिक विथ पैड, राइट. हम दिखाएंगे अभी अपने प्रैक्टिकल लैब में कि कैसे वो किया जाता है, तो ये भी आप एक्सेस कर सकते हो. सो ये तो छोटी चीज हमने यहाँ पे छोटी छोटी चीजें डिस्कस की है, हमारी स्टैटिक नेट क्या होती है, डायनेमिक नेट क्या होता है, ओवरलोड क्या होता है. अब स्टैटिक नेट को मैं समझाता हूँ, फिर डायनेमिक नेट को समझाता हूँ, फिर पैड को समझाता हूँ. तो स्टैटिक नेट क्या होता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करें. मान के चलो ये आपका राउटर है और यहाँ पे आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या आईएसपी है. आईएसपी आपके राउटर से इस प्रकार कनेक्टेड है और आपके नेटवर्क में कुछ सर्वर है, माइट बी ये कोई वेब सर्वर है, कोई और भी वेब सर्वर है. तो वेब सर्वर वाइड एरिया नेटवर्क से अगर एक्सेस किया जाता है तो उस केस में आपको स्टैटिक नेट की जरूरत होगी, क्योंकि अभी हमने क्या जाना, नेट का क्या काम होता है, दो डिफरेंट आईपी एड्रेस को आपस में एक्सचेंज करना, मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क को इंटरनल नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क में इंटरचेंज करना, सॉरी. ओके, सो क्या होगा, कोई भी बंदा अगर आएगा और यहाँ पे आपने भी डायनेमिक नेट पढ़ा नहीं, आपने कोई स्टैटिक नेट नहीं डिफाइन किया. सपोज कैसे, मैं ये नेटवर्क आ रहा है आप पे डेटा लेने, वो जा रहा है आप पे 20.0.0.3 पे, और यहाँ पे आपने डायनेमिकली असाइन किया है 20.0.0.3, ये भी हो सकता है अगर बाहर जा रहा है, अगर ये जा रहा है ये भी हो सकता है, इनफैक्ट ये जा रहा है तो ये भी हो सकता है, तो ये आपके वेब सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा. आगे वीडियो में और ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. तो स्टैटिक नेट में आपका क्या होता है, जब आपके पास वेब सर्वर है और आपके पास ऐसे डिवाइसेज हैं जो वाइड एरिया नेटवर्क से एक्सेस किए जाएंगे, तो स्टैटिक नेट में आपको जितने लोकल होस्ट होते हैं, जैसे हमने कहा एक
दो तीन, तीनों की स्टैटिकली मैपिंग करनी होती है. मींस सपोज इफ यू आर रनिंग थ्री होस्ट दैट इज यूजिंग प्राइवेट आईपी एड्रेस, यू नीड थ्री आईपी एड्रेस ऑफ पब्लिक, राइट, सो दैट वाइड एरिया नेटवर्क से कोई भी बंदा यहां पे आ सके. तो अब यहां पे एक डाउट क्रिएट होगा, हम तीन पब्लिक आईपी एड्रेस लें तो नेट करने की जरूरत क्या है, मैं सीधा क्यों ना अपने डिवाइस को दे दूं. ग्रेट, सीधा आप अपने डिवाइस को दे सकते हो ना भाई, कि आपके आईएसपी के पास आया और सीधा अपने सिस्टम से जोड़ दिए. तो दो चीजें होंगी, सिस्टम सबसे पहले आपके ये सिग्नल को समझेगा नहीं, पहली बात, और दूसरी बात इस केस में आपको कितने कनेक्शन लेने होंगे, तीन कनेक्शन लेने होंगे, एक इसका एक इसका एक इसका. तो स्टैटिक नेट में आप क्या कर सकते हो, अब तीन कनेक्शन ले रहे हो तो तीन राउटर यूज करोगे आप, राइट, ताकि तीनों सर्वर को आप वाइड एरिया नेटवर्क में एक्सेस कर पाओ. तो आप एक ही कनेक्शन पे एक चाहो तो आईएसपी से आप मल्टीपल आईपी एड्रेसेस ले सकते हो, और जो आईपी एड्रेसेस आपने लैन में अप्लाई किया है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बाय द वे हम मान के चलते हैं ये 192.1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, ये तीन आईपी एड्रेसेस हैं. वैसे ही वैन में आपके तीन आईपी एड्रेसेस होंगे. इससे क्या होगा, जब कोई बंदा जो वाइड एरिया नेटवर्क से आएगा एक्सेस करने आपके वेब सर्वर को, तो आपके इस आईपी पे आएगा तो आपका राउटर तुरंत इसको फॉरवर्ड कर देगा, इस पे आएगा तो इस पे फॉरवर्ड करेगा, इस पे आएगा तो इस पे फॉरवर्ड करेगा. मोटे तौर पे आप ये कह सकते हो स्टैटिक नेट 1-to-1 मैपिंग की जाती है. जैसे इसकी प्रैक्टिकल होगी तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा. सो जितने प्राइवेट एड्रेसेस हैं आपके लैन में उतने ही पब्लिक एड्रेसेस आपको चाहिए ताकि आप वैन को एक्सेस कर पाओ, राइट. तो ये स्टैटिक नेट में हम देखें तो थोड़ी सी ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक नहीं कह सकते, स्पेशली जो सर्वर जहां पर ढेर सारे सर्वर हैं उनको ये नीड होती ही है. डायनेमिक नेट, डायनेमिक नेट एक पूल यूज करता है. पूल क्या होता है, एक बार मैं थोड़ा सा डायनेमिक नेट को समझाने की कोशिश करता हूं कि डायनेमिक नेट क्या होता है. स्टैटिक नेट में हमने देखा कि जितने प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, जितने होस्ट लाइन में आपके कनेक्टेड है, होस्ट 1, होस्ट 2, होस्ट 3, होस्ट 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो 1-to-1 आप मैपिंग करते थे कि अगर ये बंदा वाइड एरिया नेटवर्क एक्सेस करने जाए तो आईपी ये अलॉट करूंगा, अगर ये जाए तो आईपी ये अलॉट करूंगा, ये जाए तो ये अलॉट करूंगा, राइट. तो वो फिक्स रहती थी उसी होस्ट के लिए जिसको आपने अलॉट किया. लेकिन डायनेमिक नेट में ऐसा नहीं है. इस केस में स्टैटिक में एक और प्रॉब्लम थी, अगर आपके पास 3-4-7 लैन होस्ट है तो 7 वैन आईपी एड्रेस भी आपको नीड होगी, यानी पब्लिक आईपी एड्रेस भी आपको नीड होगी. लेकिन डायनेमिक में ऐसा नहीं है. डायनेमिक में आप चाहो तो 3 आईपी एड्रेस, 2 आईपी एड्रेस या 4 आईपी एड्रेस को यूज करते हुए सभी होस्ट को एक्सेस करा सकते हो. मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान के चलो अभी आपके पास 100 कंप्यूटर है और वाइड एरिया नेटवर्क की आपने 10 आईपी एड्रेसेस सपोज दैट आईएसपी से अलॉट करवाया है अपने लिए, राइट. तो ये कहलाएगा आपका पूल. पूल मतलब जैसे आपने आईपी लिया 10.0. मैं 10 से एग्जांपल नहीं लूंगा, 200.200.200.1 से लेके 10 तक. तो यहाँ पे आपके पास 10 आईपी एड्रेसेस आपको मिलते हैं. तो इसी को आप पूल बना सकते हो. पूल्स का मतलब क्या होता है, अब जब ये होस्ट इंटरनल आउटसाइड नेटवर्क में जाएंगे आईएसपी को एक्सेस करने, तो क्या होगा, उसी पूल में से कोई भी आईपी एड्रेस आपको अलॉट कर दी जाएगी. बट ये फिक्स नहीं रहता, ये फिक्स नहीं रहता कि कौन सी आईपी एड्रेस आपको अलॉट होगी. यहाँ पे जो पहले आएगा उसको पहली आईपी मिलेगी, दूसरा आएगा दूसरी आईपी मिलेगी, तीसरा आएगा तीसरी आईपी मिलेगी. जब सेशन टर्मिनेट करोगे तो जो आईपी यूज हो रहा था वो फिर चौथे बंदे को, पांचवें बंदे को या पांचवें होस्ट को अलॉट कर दिया जाता है. बट उसी पूल में से आईपी एड्रेसेस यूज होते रहते हैं. तो पूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेसेस जो लोकल होस्ट वाइड एरिया नेटवर्क में जाने के लिए चेंजेस पाता है अपने लेयर 3 हेडर्स में, और वो आईपी एड्रेस को लेके वाइड एरिया नेटवर्क को एक्सेस करता है. तो यहां पे आप रेदर देन 1-to-1 मैपिंग, यू कैन मैप ऑल इंटरनल होस्ट टू अ ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस. तीसरी चीज हम और डिस्कस कर लेते हैं और वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है. तो स्टैटिक 1-to-1, डायनेमिक में हम एक पूल यूज करते हैं जहां ग्रुप ऑफ आईपी होती है.
नेट ओवर ओवरलोड या पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन पैट क्या होता है? पैट एक्चुअली ये हमारा आईपी एक ही आईपी एड्रेस को यूज करते हुए पोर्ट को ट्रांसलेट करता है। इसका मतलब क्या है? ये आपका राउटर आपके आईएसपी की तरफ जा रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और आपके आईएसपी से मान के चलते हैं एक आईपी मिली 200.200.200.1, जस्ट टेक एग्जांपल। और ये आपके पास लैन से स्विच, स्विच से कनेक्टेड माइट बी 100 और मोर देन 100 थाउजेंड्स ऑफ होस्ट माइट बी कनेक्टेड है। आपका कंप्यूटर क्या करता है, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस से ही सिर्फ सॉरी एक पब्लिक आईपी एड्रेस से ही सभी प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज करता है मतलब लेयर थ्री हीडर में चेंजेस करता है। तो जो पैकेट आएगी, इसको मैं थोड़ा सा एक पेंट में समझाता हूं तो काफी अच्छे ढंग से समझ में आएगा आपको। ओके, सो यहाँ पे मैं पेंट में समझाता हूँ। ये हमारा स्विच है, ये हमारा राउटर है, ये हमारे होस्ट होस्ट और ये हमारा आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कंसीडर करो कि ये आपको आईपी एड्रेस मिली जो कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस है। सो आप एक आईपी एड्रेस से सभी होस्ट को कनेक्ट करते हो। यू मे हैव थाउजेंड्स ऑफ होस्ट, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग जस्ट एग्जाम्पल सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड इट। मान के चलो ये किसी वेब सर्वर के पास अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा, ये कंप्यूटर, तो अपना पैकेट भेजेगा यहाँ पे, तो उसकी आईपी एड्रेस ये रहेगी। साथ ही साथ दो अलग चीजें यहाँ पे जुड़ जाती हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा या बताया भी था। एक होता है हमारा सोर्स पोर्ट एड्रेस, दूसरा हमारा होता है डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेसेस। तो आपका आईपी एड्रेस कोई पोर्ट अलॉट कर देगा, डायनेमिकली पोर्ट कुछ भी अलॉट कर सकता है आपका आईपी एड्रेस, अभी मैं बताता हूँ कैसे। और अब आपकी जो पैकेट जाएगी उसमें ये इंफॉर्मेशन होगा, आपकी आईपी एड्रेस प्लस आपका पोर्ट एड्रेस। आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस जब यहां पे आएगा, मान के चलो 2000 आपका पोर्ट एड्रेस है, तो आपका कंप्यूटर सॉरी आपका राउटर आईपी चेंज कर देगा 200.200.200.1 और पोर्ट एड्रेस एज इट इज रहेगा। और वो अपने एक टेबल में बना के रख लेगा कि होस्ट वन आया था जिसका पोर्ट एड्रेस था 2000, राइट, ताकि अब मुझे पैकेट वापस मिले 2000 पे तो मैं होस्ट वन को फॉरवर्ड कर दूं। एट सेम टाइम या थोड़े से अंतराल के बाद कंप्यूटर दो आता है, उसकी आईपी एड्रेस ये है और इसका होस्ट इसका पोर्ट नंबर एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉट किया मान के चलते हैं 3000। तो ये क्या करेगा, अब 3000 जुड़ा है कंप्यूटर दो, चले जाओ वैन एक्सेस कर लो और वैन एक्सेस का पैकेट जब रिप्लाई वापस हमें मिलेगा तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि मैंने आपका पोर्ट नंबर मैप किया 2003। तो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन में क्या होता है, बेसिकली आपके पोर्ट की मैपिंग हो जाती है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने अलॉट किया है। नाउ वन मोर क्वेश्चन मस्ट बी अराइज, सपोज कंप्यूटर वन कंप्यूटर टू दोनों का पोर्ट एड्रेस अगर सेम निकला, 2000 आपका भी है और 2000 इनका भी है, अब राउटर क्या करेगा? राउटर तो कंफ्यूज होगा कि ये 2000 मैं इस होस्ट को इस आईपी एड्रेस को मैप करके रखूं या इस आईपी एड्रेस को मैप करके रखूं अपने नेट टेबल में, क्योंकि दोनों जन ने वाइड एरिया नेटवर्क में एक पैकेट भेजा जिसकी रिप्लाई अगर मुझे मिलेगी तो मैं तो यही पे रखता हूँ सोर्स पोर्ट एड्रेस क्या है और उसी से मैप करके रखता हूँ, जब वापस आता है उसी पे उसी पोर्ट एड्रेस पे तो मैं आपको रिप्लाई करता था। लेकिन अब दोनों पोर्ट नंबर सेम है जो हमारे लैन के कंप्यूटर में है, तो राउटर क्या करता है, जैसे ही वो देखेगा कि दो कंप्यूटर के पोर्ट एड्रेस अगर सेम है तो किसी एक को चेंज कर देगा, राउटर अपने आप किसी एक को चेंज कर देगा और रिप्लाई आपके कंप्यूटर को दे देगा, राइट। तो ये राउटर का काम होता है, अगर दो पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन सॉरी सोर्स के सेम मिलेंगे तो एक पोर्ट को अपने आप राउटर चेंज कर देता है एंड देन आफ्टर वाइड एरिया नेटवर्क में उसको सेंड करता है। दूसरी चीज, जैसा कि हमने कहा कि ये पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेसेस क्या होता है, तो आपका आईपी प्लस आपका पोर्ट नंबर इसको हम सॉकेट के नाम से जानते हैं। तो इसका मैं एक लाइव एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे मैं पिंग करता हूँ, पिंग नहीं मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ, बाय द वे वेबसाइट जैसा कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब खोल रखा है और मैं और वेबसाइट खोल लेता हूँ,
google.com, उसी तरह मैं और क्या खोल सकता हूँ, facebook.com, likewise आदित्य के आर गौर blogspot.in, तीन वेबसाइट हमने खोल लिया। और अब हम कमांड पे देखें कि मेरा क्या हो रहा है। तो NAT, एक कमांड आप यूज़ कर सकते हो जो बताएगा कि आपका पोर्ट एड्रेस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या जनरेट किया जब आप वाइड एरिया नेटवर्क को एक्सेस करने जा रहे हो। सो आप देख सकते हो ये आपका लोकल एड्रेस, ये लोकल एड्रेस किसका है, मेरे लैपटॉप का जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसकी आईपी है 10.30.10.86 और मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस सर्वर पे जाने के लिए फॉरेन एड्रेस IN IN IN-IN F125, डेस्टिनेशन के इस पोर्ट पे मैं गया। तो मेरा सोर्स पोर्ट एड्रेस है 59013। उसी तरह जितने भी वेबसाइट पे मैं जाऊंगा तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेट भेजने से पहले एक डायनेमिकली पोर्ट नंबर असाइन कर देता है, क्योंकि डेस्टिनेशन पे, बाय द वे डेस्टिनेशन का तो चेंज नहीं होगा। जैसे आप जा रहे हो, देखो HTTPS पोर्ट नंबर 443 किसी वेब सर्वर पे जा रहे हो, HTTPS एंड सो ऑन, यहाँ पे आप जा रहे हो इस आईपी एड्रेस के HTTPS यानी 443 पे। तो यहाँ पे ये हमको समझना था एक्चुअली ये पोर्ट नंबर क्या होता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही कोई पैकेट जनरेट करता है कहीं भी भेजने के लिए, तो वो दो चीजें करता है, एक तो आपकी सोर्स आईपी एड्रेस रखेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रखेगा, साथ ही साथ सोर्स पोर्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस भी रखता है। तो सोर्स पोर्ट एड्रेसेस कुछ भी हो सकता है, ये वेरी करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेसेस होते हैं वेल नोन पोर्ट एड्रेस या ऐसे पोर्ट एड्रेस जो चेंज नहीं होते हैं, राइट। जैसे 443 अभी हमने एग्जांपल दिया, आप किसी HTTPS सर्वर पे जा रहे हो और HTTP सर्वर पे जा रहे हो तो 80, टेलनेट आपने लिया, SSH लिया, तो उन सब का पोर्ट सेम रहता है, जैसा कि इतना तो मैं कंसीडर कर सकता हूं कि आपको इतना पता होगा। तो देखिए, और डेस्टिनेशन के किस पोर्ट पे जा रहे हो, डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस क्या है, तो बाय द वे यहां पे होस्ट नेम दिया है, इट मे बी आईपी एड्रेसेस एज वेल, नो प्रॉब्लम, लुक राइट देयर एंड दिस इज डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस वी आर यू गोइंग टू टेक अ डेटा टू एक्सेस, राइट। तो ये चीजें होती है। तो पैट क्या करता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो आपका एक टेबल बनाता है और आपके पैकेट्स के पोर्ट एड्रेस को तो चेंज करता है, साथ ही साथ आईपी एड्रेसेस दोनों चीजों को चेंज करके वाइड एरिया नेटवर्क में भेजता है। और ये आपको अलाउ करता है कि आप सिंगल आईपी एड्रेस से 65535 एक आईपी एड्रेस से अप टू 65536 होस्ट को आप वाइड एरिया नेटवर्क एक्सेस करा सकते हो। बिकॉज सबका अगर यूनिक पोर्ट नंबर ये अपने नेट टेबल में असाइन कर ले, इतने कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं। बाय द वे, आपका टेबल हटता रहता है, फिर जैसे ही कि इस कंप्यूटर ने यूज नहीं किया, फिर दूसरे कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट भेजा, तो हो सकता है वो पोर्ट नंबर इस कंप्यूटर को अलाउट हो जाए। वो आप समझ सकते हो TCP का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का, थ्री वे हैंडशेकिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग जैसे ही रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है कि मैंने पैकेट भेज दिया तो इनका सेशन टर्मिनेट, अब दूसरा जा रहा है, तो उसको सेम पोर्ट आपका राउटर अलॉट कर सकता है। और लास्ट वाली मैं अपने तरफ से बताना चाहूंगा कि आप ऐसा भी कर सकते हो। अभी हमने क्या जाना, स्टैटिक, जहां पे हमने जाना 1-to-1 मैपिंग, डायनेमिक, पूल टू मेनी और पोर्ट 1-to-many, यानी एक आईपी एड्रेस से मेनी कंप्यूटर एक्सेस करते थे। लेकिन ओवरलोड में आप दो चीजें कर सकते हो, आप डायनेमिक के साथ भी ओवरलोड कर सकते हो। मतलब ये कि अभी हमने क्या जाना, अगर हमने पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन यूज किया है तो टोटल पोर्ट नंबर कितने होते हैं, 2 के पावर 16, जिसको अगर आप पूरा देखोगे तो 65536 होगा, तो उतने ही कंप्यूटर यूज हो पाएंगे। आप चाहो तो यहां पर पूल यूज कर लो, यानी 1 से लेकर 10 तक आईपी एड्रेस, और इसमें भी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन इनेबल कर सकते हो। तो अब आपके 65536 x 10 कर लो, उतने होस्ट एक्सेस कर पाएंगे। उससे क्या फायदा होगा,
एक को आईपी मिलेगी मान के चलते हैं वन, पोर्ट नंबर चेंज, मान के चले दूसरी आई तो आईपी मिली टू, पोर्ट नंबर चेंज। तो अब राउटर जो आपकी इंफॉर्मेशन रखेगा वो वाइड एरिया नेटवर्क में उसके पास 10 आईपी एड्रेसेस है, उसी 10 आईपी एड्रेसेस के साथ पोर्ट एड्रेसेस को भी चेंज करके उसकी इंफॉर्मेशन रखेगा। इस केस में मेरे हिसाब से आप 65536 × 10 अगर 10 आपके पास एड्रेसेस है एज अ पूल, तो आप कितने होस्ट को एट अ टाइम इंटरनेट एक्सेस करा सकते हो या वाइड एरिया नेटवर्क को एक्सेस करा सकते हो। ओके, सो एक बार मैं ब्रीफ में रिकॉल करता हूं और इस वीडियो में इतना ही। ब्रीफ में सबसे पहली चीज हमने पढ़ा कि नेट क्या होता है, स्पेशली नेट स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का काम करता है। स्टैटिक नेट हमारा होता है, हमारा डायनेमिक नेट होता है, हमारा ओवरलोड या पैट होता है, और चौथा आप डायनेमिक के साथ ओवरलोड या पैट भी यूज कर सकते हो। सो होपफुली दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।